जहर खा के मर रहे हैं। अब इन बिहड़ में सिर्फ उन्हीं की चीखें गूंजती हैं। हमारे आज से कल पर पड़ने वाले असर को दिखाती फ्यूचरिस्टिक फिल्म लगती है कड़वी हवा। हॉलीवुड क्लाइमेट चेंज पर आधारित कई फिल्में अब तक बना चुके हैं। द डे आफ्टर टुमारो 2012, आइस एज, आर्कटिक टेल जैसी कई फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन कड़वी हवा को बॉलीवुड की ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे क्लाइमेट चेंज जैसी बेहद गंभीर सब्जेक्ट पर पहली बार फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। फिल्म के पूरे ट्रेलर में जीवन की सबसे जरूरी चीज यानी कि हवा की बात करता संजय मिश्रा का किरदार अपने दमदार डायलॉग से सिर्फ ट्रेलर में ही आपको पूरी फिल्म का एहसास करा देता है। जहाँ तक कड़वी हवा फिल्म का सवाल है, एक बहुत ही अच्छे वक्त पर एक बहुत ही अच्छी और समसामायिक जिसको कहते हैं कंटेम्पररी फिल्म है, जो पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा कोई सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पर, हमने हर चीज़ पर देख रखा है, क्लाइमेट चेंज पे कड़वी हवा एक पहली पिक्चर है ऐसी। और मुंद्रा साहब दृश्यम फिल्म ये इसके पीछे हैं, हम कोशिश करेंगे इस फिल्म को जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचा पाए। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कैसे क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है, 2 मिनट 45 सेकंड का ये ट्रेलर आपके दिमाग में ये पूरी तरह से साफ कर देगा। अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा आपको इस ट्रेलर में ही शायद रुला दे। फिल्म में रणवीर शौरी भी आपको अहम भूमिका में दिखाई देंगे। थीम है फिल्म का, फिल्म बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, गाना बहुत अच्छा है, जो ऐसा आपने सुना अभी ट्रेलर में भी। सो प्लीज़ जाके फिल्म देखें। दो लाइन में कहानी ये है कि एक अंधा बूढ़ा किसान है जो कि कर्जे में है, और उस उनके गांव में वसूली के लिए बैंक का एक नया लोन रिकवरी एजेंट आता है, जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पर वो किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, इतना निचोड़ के पैसे निकालता है उनसे। तो ये दो लाइन में ये कहानी। न्यूटन मसान और आंखों देखी जैसी फिल्में बना चुके अक्षय परिजा प्रोडक्शन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। आई एम कलाम को डायरेक्ट कर चुके नील माधव पांडा इसके निर्देशक हैं। सोमवार को रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे रिस्पॉन्स से एक बार फिर ये बात साफ हो जाती है कि दर्शक अब एक अच्छी कहानी देखना चाहता है, सच या उसके नजदीक बनी हुई कहानी अब भारतीय दर्शक सराह रहे हैं। प्रकृति के लगातार दोहन और प्रदूषण फैलाने के अपने नेचर की वजह से हम वातावरण और धरती को किस हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, ये हर रोज अखबार में देखकर भी हम अपनी मर चुकी संवेदना के चलते मानना नहीं चाहते। सालों से प्रकृति पर प्रहार कर रहा मनुष्य अब अपनी बोई प्रदूषण की फसल काट रहा है, वो माने या ना माने। फिल्में समाज का आईना होती है, और ये वक्त है कि हम आईने की बताई सच्चाई को माने और बदलाव की शुरुआत करें, क्योंकि कोई एयर प्यूरिफायर इस कड़वी हवा से आपको और हमें बचा नहीं सकता। ऐसे में जरूरत है दृश्यम बैनर के तले बनी इस फिल्म को प्रोत्साहन देने की और इससे सीखकर प्रकृति को बचाने की कोशिश करने की, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित है तो ही हम जीवित हैं। आए जमाने में चार अलग अलग दिशा से खुशबू लेके आते वो, अब ना जाने का हो गया उसको, जैसे बीमार हो गई हो। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।